मोमो की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, लहसुन, मिर्च और नमक। इन्हें अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पका लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। तक ये पक रहा है, चलिए हम बना लेते हैं मोमो की फिलिंग। तो मोमो की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर, गोभी, हरी मिर्च। अब हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। आप चाहे तो हल्दी स्किप भी कर सकते हो, मैंने हल्दी डाला है क्योंकि उससे कलर थोड़ी सी अच्छी आएगी। और इन्हें अच्छे से मिक्स 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 करना है। तो गाइस रेडी है, देखिए हमारी मोमो की चटनी, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा, इसके बिना तो मोमो अधूरा है। तो देखिए गाइस रेडी है हमारी मोमोज की फिलिंग, अब इनको डाल देते हैं मोमोज के पेट में। अब हमें छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है मैदे की, आटे की। तो गाइस अब हमें रोटियों के अनुसार थोड़ा थोड़ा फिलिंग लेना है, फिलिंग को भर के मोमो की शेप दे देनी है।